हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एनवायरनमेंट एजुकेशन की बात है, पहले एक वीडियो इस पर बना चुका हूँ एंड होपफुली यू लाइक इट। इट वाज अ स्मॉल वीडियो, इट इज़ फॉर प्लस वन क्लास एंड द नेम ऑफ द लेसन इज एनवायरनमेंट। बिफोर वी प्रोसीड अहेड, हियर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू मे गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज, राइट। तो शुरू करें, लेट अस स्टार्ट, लेट्स बिगिन। सी द चैप्टर इज एनवायरनमेंट, सो आई हैव डिसाइडेड इट टू यू नो डू इट इन द मॉर्निंग एंड इट इज मॉर्निंग टाइम एंड वी आर लिसनिंग टू द चर्प ऑफ द बर्ड्स ऑल्सो एंड इट्स क्वाइट पीसफुल हियर। सो आई एम ऑन द टॉप ऑफ द रूफ, लेट्स बिगिन। हियर it is a bit about myself and then we had done, we'll do recapitulation of the last video. It was the first one for the plus one class in English medium. It was about environment. What is it? Environment is the atmosphere or the surroundings we are living in. It includes everything that surrounds us, and this can be natural as well as man-made: air, water, soil, plants, animals, grass, bushes, buildings, mines, etc., right? So meaning of environment. Environment is a complex system made up of group of physical, chemical, biological components. And if we see in this picture, we see that biosphere is where the life is found. It is found in lithosphere also, it is found in hydrosphere also, it is found in atmosphere also. तो ये तीनों जगह मिलता है और तीनों जगह को मिला के फिर बायोस्फीयर बनता है। बायोस्फीयर मीन्स वो स्फीयर, वो दुनिया, वो जहान जिसमें के लाइफ पाई जाती है। एवरीथिंग सराउंड्स अस और अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज एनवायरनमेंट। जो कुछ भी हमें अफेक्ट करता है, जो कुछ भी हमें सराउंड किए हुआ पूरे जीवन काल में और हमें प्रभावित करता है, वो हमारा एनवायरनमेंट है। डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ लिविंग। ये टोटल है, कुमुलेशन है सब चीज़ का, जो लिविंग है, जो नॉन लिविंग है, ये दोनों कंपोनेंट्स है। और जो इन्फ्लुएंस करता है, कोई घटना चक्र को प्रभावित करता है, जो हमें घेरे हुआ है और हमारे आले दुआले में है, वो ऑल जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको मिलाकर एनवायरनमेंट बनता है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। तो फैक्टर्स और कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि देर आर टू फैक्टर्स, टू कंपोनेंट्स, दो फैक्टर्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, वो हैं बायोटिक जो कि लिविंग है एंड अबायोटिक जो कि नॉन लिविंग है। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पे हमने डिस्कस कर लिया है लास्ट वीडियो में। इसमें एनिमल्स, मैन वगैरह सब आ जाते हैं, सब सूक्ष्म जीवींस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह। और अबायोटिक में नॉन लिविंग आ जाते हैं, जिसमें कि एनर्जी है, रेन है, सोलर रेडिएशन है, टेम्परेचर, एयर है, केमिकल है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो ये देखिए, ये विंड, सनलाइट, सॉयल, वाटर, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, ये सब अबायोटिक में आ जाता है, राइट। लेट्स मूव टू द फर्दर अहेड, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, टाइप्स और डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट। तीन तरह के हैं बेसिकली, एनवायरनमेंट इज ऑफ थ्री टाइप्स: फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट। फिजिकल मीन्स जो प्रत्यक्ष रूप में नज़र आता है, बायोलॉजिकल जो जीव रूप में नज़र आता है, सोशल जो हम हमारे सराउंडिंग्स में है, हम कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वो सोशल में आ जाएगा। हमारे क्या कल्चर है, रीति रिवाज, रहने के तरीके, खाने पीने के तरीके और सर्वाइव करने के तरीके, ये सारे सोशल में आ जाते हैं। तो तीन तरह के बेसिकली डायमेंशंस एनवायरनमेंट है या टाइप्स एनवायरनमेंट में: फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो ये थ्री कंपोनेंट्स हैं इसके, मेनली एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, तीनों को मिला के हमने पीछे पढ़ा था कि बायोस्फीयर बनता है जिसमें के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इसके बारे में है एटमॉस्फेयर, जो कि हमें चारों तरफ से हमें सराउंड किए हुआ है, हमें घेरे हुआ है, पृथ्वी को और अर्थ को एक गैस के और एक पॉलीथीन के लिफाफे की तरह, जो हमें बहुत सारी हानिकारक किरणों से बचाता है। इट सेव्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज एंड अदर रेज दैट कम्स अस टू हार्म अस फ्रॉम द सन, फ्रॉम, राइट,
और हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी वाला स्फेयर, हाइड्रो का मतलब पानी, स्फेयर मतलब दुनिया, एंड लिथोस्फेयर, लिथो का मतलब होता है स्टोन पत्थर, और स्फेयर मतलब दुनिया, यानी कि जिस भाग में हम रहते हैं भूभाग को लिथोस्फेयर कहा जाता है, राइट। तो चलते हैं आगे, इसको पढ़ते हैं डिटेल में। अगर बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, इसमें तीन तरह के की जो लिविंग्स हैं वो पाए जाते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो कि चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि जिसमें ग्रास वगैरह या दरख्त वगैरह और प्लांट्स वगैरह आ जाएंगे। कंज्यूमर्स जो खपत करते हैं सिर्फ, जैसे कि हम इंसान और जानवर चीज़ों को खपत करते हैं। डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो कि डेड्स को और लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के डेड्स को वो छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं ताकि वो दोबारा से पृथ्वी के साथ एक हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है सोलर एनर्जी पे, एक सर्कल चलता रहता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। तो ये एक बैलेंस जब रहता है एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें ही बैलेंस रहती है, तो एनवायरनमेंट हमारा नॉर्मल वे में चलता रहता है, और अदरवाइज एनवायरनमेंट जो है अफेक्टेड होता है और प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि अभी इंसानों ने इसको डिस्टर्ब किया है, तो अभी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हैजर्ड्स आ रहे हैं। तो फर्दर हम इस पर डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पे। आपको जानना ज़रूरी है कि बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, उसमें तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, राइट। चलिए, सोशल एनवायरनमेंट क्या है? पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड फाइनेंशियल, दैट डीलस एक्चुअली सोशल एनवायरनमेंट है। और इसके अलावा भी जो इवन एनिमल्स की या फिर ट्रीज़ की और दूसरे ऑर्गेनिज्म की भी अपनी सोशल एनवायरनमेंट होती है, जिसमें उसको बढ़ने फूलने का मौका मिलता है। फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो फिजिकल एनवायरनमेंट मेनली थ्री कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स फिजिकल एनवायरनमेंट में? थ्री कंपोनेंट्स हैं, एटमॉस्फेयर, देन वी हैव हाइड्रोस्फेयर, देन वी हैव लिथोस्फेयर। तो थोड़ा थोड़ा इस पर हम बात करेंगे, राइट। तो एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज़ एनवेलप ऑफ लाइफ प्रोटेक्टिंग दैट कवर्स द प्लैनेट अर्थ। इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। नाइट्रोजन 78% है इसमें, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, और बाकी चीज़ें इसमें जो हैं, हीलियम है, नियान है, मीथेन है, क्रिप्टॉन है, हाइड्रोजन है, ये इनके भी ट्रैक्स मिलते हैं, इन गैसेस के भी। इसके अलावा इसमें है वाटर वेपर भी है। अगर हम इसकी अर्थ एटमॉस्फेयर की बात करते थे, इसको हमने अलग अलग इमेजिनरी टाइप्स में बांटा है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एग्जोस्फेयर, राइट। तो ये अलग अलग परतें हैं एटमॉस्फेयर की, जो पृथ्वी से लेके आकाश में कई सौ किलोमीटर तक फैली हुई है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर का मतलब है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड स्फेयर का मतलब होता है दुनिया। तो ये पानी की दुनिया की बात है, जैसे कि हमारे ओशंस हैं, नदियां हैं, राइट। इट इंक्लूड्स वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन डिफरेंट फॉर्म्स, ओशन, लेक्स, रिवर्स एंड वाटर बॉडीज। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, हमारे शरीर के लिए बहुत, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द क्रेडल ऑफ लाइफ, क्योंकि पानी से ही हर चीज़ की, जीव की उत्पत्ति मानी जाती है। जैसे कि फॉर्मेशन हुई थी अर्थ की, अर्थ तो उस वक्त ही अर्थ एक किस्म का आग का गोला था, धीरे धीरे ठंडा हुआ, एक एटमॉस्फेयर यहाँ क्रिएट हुआ, सिर्फ बारिश यहाँ से एक जो गैसेस ने एक बादल का रूप लिया, फिर बारिश हुई, उससे धीरे धीरे ये चक्कर चलता रहा, फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर पानी सबसे पहले आया, उससे सारी चीज़ें पैदा हुई। तो दैट्स वाई वाटर इज़ नोन एज द क्रेडल ऑफ लाइफ। लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर इज़ द रिजिड पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ, लिथो का मतलब होता है स्टोन, पत्थर वाला। तो हमारा जो ये क्रस्ट वाला पार्ट है और अपर मेंटल पार्ट है, जो इसको हम लिथोस्फेयर में काउंट करते हैं, ये रॉकी पार्ट होता है, आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रिटल क्रस्ट एंड टॉप ऑफ द मेंटल। इट इज़ द कूलेस्ट एंड द मोस्ट रिजिड पार्ट ऑफ द अर्थ। लिथोस्फेयर की बात करते हैं, तो लिथोस प्लस स्फेयर, लिथोस मीन्स स्टोन एंड रिजिड मटीरियल, और स्फेयर मीन्स वर्ल्ड राउंड बॉल। सो लिथोस्फेयर लिटरली मीन्स रॉ मटीरियल प्रेजेंट ऑन द अर्थ सर्फेस। इट प्रोवाइड्स मिनरल्स एंड सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लैनेट्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल। तो अब चलते हैं, ये लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर का क्रस्ट वाला पार्ट है, मेंटल पार्ट है। आप इसको देख सकते हैं किस तरह ऊपर वाला पार्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, फिर ओशनिक क्रस्ट है,
सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स जो होते जो है, तो ये लिथोस्फेयर फॉर्म करता है परमेंटल इंक्लूड करके। फिर आ जाते हैं बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है? बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द एनवायरनमेंट। दीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप। इसमें आपस में न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप होता है, यानी कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उसके रिलेशनशिप पे बेसिस है ये। दीज आर क्लासिफाइड इनटू प्रोड्यूसर्स, जो हमने पहले किया। दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन फॉर्म द ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम CO2 एंड HO2 सिंपलर कंपाउंड्स बाय फोटोसिंथेसिस। दीज आर फोटोकेमिकल बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट्स। दे आर प्रोड्यूसर बिकॉज दे कैन मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक फूड, जैसे कि दरख्त, बूटे हो गए ये, और कुछ ग्रीन बैक्टीरियाज भी होते हैं, वो इस तरह से फूड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो ये आ जाएगा इसमें सब में जो कि प्रोड्यूसर पार्ट में है। देन वी हैव कंज्यूमर्स, द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, जैसे कि इंसान है अपना फूड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इन विच द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस और कैन नॉट प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड आर नोन एज कंज्यूमर्स। बेसिकली ये जानवर प्रे हंटर्स जो होते हैं, ये क्या कहेंगे हम इसको, ईगल्स हो गए या शेर हो गए इस तरह के। तो प्रोड्यूसर इस पिक्चर में बड़ा अच्छे से दिखाया गया, प्रोड्यूसर देखिए पौधे प्लांट्स वगैरह, उसके बाद कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर्स में या कुछ बर्ड्स वगैरह आ गया। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो इन बर्ड्स वगैरह को खाते हैं, जैसे कि ईगल वगैरह हो गया, इस तरह से सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया इस पिक्चर के अकॉर्डिंग। कंज्यूमर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात करें तो रैबिट, डियर्स एंड काऊ, एलिफेंट्स वगैरह आ जाते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें तो वो आते हैं जो कि दूसरे जानवरों को खाते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, लेपर्ड, फॉक्स, वल्चर्स। डिकम्पोजर्स की बात करते हैं, अब तीसरा कैटेगरी है। दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली एंड दैट मेंटेन बैलेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एनवायरनमेंट। ये बैलेंस मेंटेन करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का एनवायरनमेंट में, और डिकम्पोज करते हैं डेड को, जो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेंट्स हैं बेसिकली। ये रिमेंट्स यहाँ पे लिखा चले गया, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, रिमेंट्स जो है बच जाते हैं जो, वो उसको ये डिकम्पोज करते हैं। एज द डिकम्पोज द डीड्स दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। एज द डिकम्पोज द डेड्स, सॉरी डेड्स, मरे हुए को ये डिकम्पोज करते हैं, इसलिए इसको डिकम्पोजर कहा जाता है। डिकम्पोज का मतलब होता है विघटन करना, ये विघटन करते हैं, तो इसलिए। दिस इंक्लूड्स काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज एज वेल एज इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। अब आ जाते हैं, बात करते हैं हम सोशल एनवायरनमेंट की। सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स कल्चरल एटीट्यूड एंड सोशल वैल्यूज फॉर द लिविंग बीइंग। चेंजेस दैट हैव बीन ब्रॉट बाय मैन हैव मेड द लिविंग ऑफ मैन बेटर, बट द चेंजेस दैट हैव ब्रॉट बाय मैन हैज एक्सेसिवली एक्सप्लॉइटेड द नेचुरल रिसोर्सेज। और जिसकी वजह से मैन के इस नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से काफ़ी लॉस हुआ है एनवायरनमेंट को, और ड्यू टू विच रैपिड चेंजेस आर अकरिंग इन द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल पार्ट। तो सोशल एनवायरनमेंट का ये इफेक्ट हुआ, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो पार्ट है एनवायरनमेंट का उसके ऊपर बड़ा असर हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर जो हैं, एयर है, इन सब ट्रबल में अभी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें अब पानी से भी डर लगने पड़ा, हम इसको फिल्टर करके पीते हैं, हवा से भी डर लग पड़ा, हवा भी पोल्यूटेड हो गया है। तो ये सब इंसान की वजह से हुआ। मैन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट। मैन हैज़ मोल्डेड बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। मैन क्यों है सोशल एनवायरनमेंट का, बाकी सामाजिक प्राणी वो भी हैं, वो भी एक समाज में रहते हैं, उनका भी एक एनवायरनमेंट होता है, जानवरों का भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी, लेकिन वो अपने दिमाग का इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह से हम करते हैं। हमने काफ़ी चीज़ें की हैं, हमने मैन्युफैक्चर किया है, हमने इंडस्ट्रीज़ बनाई, हमने घर बनाए, हमने उनके हैबिटेट्स को भी तबाह किया अपने फ़ायदे के लिए। तो मैन इसलिए इम्पोर्टेंट है, कंपोनेंट है सोशल एनवायरनमेंट का, और हमने अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए माउल्ड कर लिया है बायोटिक एनवायरनमेंट को भी, कंपोनेंट को एनवायरनमेंट के, और अबायोटिक कंपोनेंट को भी। मैन हैज़ मेड ऑल द एनवायरनमेंटल फैक्टर फेवरेबल टू हिमसेल्फ बाय यूजिंग हिज माइंड और इंटेलेक्ट। मैन हैज़ डेवलप्ड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, हाउसेज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर मेंटेनिंग इट्स ओन एग्जिस्टेंस। तो उसकी वजह से जो अभी हैजर्ड्स आए हैं, इसीलिए हमें एनवायरनमेंट को जानना बड़ा ज़रूरी है। मैन ने अपने ग्रीड, अपनी लालच की वजह से अभी
जो अनबैलेंस कंडीशन क्रिएट कर दिया है एनवायरनमेंट में। मैं स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेस की बात करते हैं। स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेस को जानना बड़ा ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि तब भी हमें पता लगेगा किस तरह से मैंने ये सारी चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया है और कैसे मैन को अब अवेयर होना पड़ेगा अगर इसको अपना एग्जिस्टेंस इस अर्थ पे बचाए रखना है तो इसको अवेयर होना पड़ेगा। अगर मैन की स्टेजेस की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो हंटर के तौर पे पहले थे, गैदरर थे, फूल फ्रूट वगैरह फल फ्रूट वगैरह इकट्ठा करते थे और गैदर करके खाते थे, शिकार करके खाते थे। फिर उससे एग्रीकल्चरिस्ट बने, फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ आई, फिर मॉडर्न जायंट इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आई। प्रेजेंट मैन इज़ ओवर एक्सप्लॉयटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज लीडिंग टू नेचुरल इम्बैलेंस इन द नेचर। आज का आदमी जो है बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयट कर रहा है इस नेचर को, नेचुरल रिसोर्सेज को, जिसकी वजह से ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। देखिए ये इस पिक्चर से जाहिर हो रहा है, क्लियर हो रहा है किस तरह से, किस पोजीशन से अब मशीन तक आ गया। पहले गैदरर से या फिर कैसे फिजिकली कितना लेबर कर रहे थे, एनवायरनमेंट के साथ एक होके चल रहे थे, लेकिन उसके बाद किस किस स्टेजेस से ये अब तक के मशीनी युग में आए हैं। फैक्टर्स प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल एनवायरनमेंट, क्या क्या फैक्टर प्ले करता है सोशल एनवायरनमेंट में इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड फाइनेंशियल फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और दीज फैक्टर्स, दीज ऑर्गेनाइजेशन, पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करने में। तो याद रखना कि भी सोशल एनवायरनमेंट में पोलिटिकल, पॉलिटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रिलीजन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड फाइनेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे बढ़ते हैं। दिस वे मैंस एनवायरनमेंट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड। आदमी का एनवायरनमेंट और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ये इंटर रिलेटेड है। एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड द बिगर ट्रबल टू ह्यूमंस एंड सम वॉट मेंटेन द बैलेंस इन द नेचर, गवर्नमेंट्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल कंट्रीज हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग बायोस्फीयर्स, जिसमें हम बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, क्योंकि ये सब सुरक्षित नहीं थे, ये जानवर जो है जो हमारे अर्थ के लिए, हमारे सबके जीवन के लिए ये बहुमूल्य हैं। अगर ये सर्वाइव करेंगे, अगर इनके लिए हैबिटेट्स रहेगा तभी हमारे लिए रह पाएगा। तो इसलिए सरकारों ने ये कोशिश की, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए, नेशनल पार्क्स बनाए, वाइल्ड सेंचुरीज बनाए, और इसलिए बनाए कि अर्थ सस्टेन कर जाए। तो होता क्या है कि भी एनवायरनमेंट जो भी है, किस तरह से हमने डेवलप किया, उस डेवलपमेंट की देन रही, उस सोसाइटी की देन होती है। तो अब हमें थोड़ा सा एनवायरनमेंट के बारे में भी जानना पड़ेगा सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू। सोसाइटी प्लेज वेरी क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग एनवायरनमेंट। पुराने ज़माने में जब जानवरों के साथ इंसान रहते थे, डर के रहते थे, गुफाओं में रहते थे या गैदरर के रूप में रहते थे, वो एक तरह से एनवायरनमेंट के साथ एक मिक थे। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी डेवलपमेंट हुई तो वो एनवायरनमेंट पे उनका वर्चस्व हो गया, वो ओवर एक्सप्लॉयट करने लग पड़े। तो आज के टाइम में सोसाइटी का बहुत अहम रोल है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में। अगर एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। Society plays very crucial role in protecting or destroying environment. It is the foremost duty of the everyone living in society to protect the environment. अगर सबकी ड्यूटी है, हर एक की, बच्चे बूढ़े सबकी, इसलिए तो एनवायरनमेंट को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया गया है आपको पढ़ने के लिए, ताकि आप अवेयर हो जाएं और अपने मदर अर्थ को बचाएं ह्यूमैनिटी के सस्टेनेंस के लिए, नहीं तो ह्यूमैनिटी सस्टेन नहीं कर पाएगी। People will have to understand that if they continue to destroy natural environment and natural resources, then the future of the coming generation will be dark and gloomy. जो future होगा हमारा इस अर्थ का, ये dark and gloomy होगा, हमारा future gloomy होगा, human being का future gloomy होगा। तो आगे चलते हैं, ये था। अब आ जाते हैं कि downs हैं इनका, एक issue attend साइकिल है इनका। इन्होंने ये एक बड़े विज्ञानी हुए हैं, इन्होंने रिसर्च करके ये बात प्रूव किया है कि किस तरह डिफरेंट स्टेजेस पे हम किसी मसले को सॉल्व करते हैं, किसी मसले को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो इट इज़ नोन एज डाउन्स इशू अटेंशन साइकिल। किसी इशू के लिए अटेंशन साइकिल जो होता है लोगों का, वो किस तरह का होता है, उन्होंने इसको बताया है इसमें। तो फर्स्ट स्टेज इनका है प्री प्रॉब्लम स्टेज, सेकेंड है अलार्म डिस्कवरी एंड यूफोरिक एंथुजियाज्म स्टेज, इसमें बड़े लोग उसके प्रति बड़े यूफोरिक होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं। फिर उसके बाद रियलाइजेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, और फिर उसके बाद जो भी प्रोग्रेस है उसके ऊपर जो कॉस्ट है उसकी रियलाइजेशन करते हैं कि क्या ये पॉसिबल हो
कैसे दैट हैज़ कॉस्ट अस लॉट और कैसे इसका इसको प्रोटेक्ट करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. तो उसके बाद उस जब ये रियलाइज़ हो जाता है फिर ग्रेजुअल डिक्लाइन होने लग पड़ता है उस बात में, उस चीज़ में लोगों का. उसके बाद है फिफ्थ है कि पोस्ट प्रॉब्लम स्टेज. तो इस स्टेजेस के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे. देर आर फाइव स्टेजेस इन द चेंज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक अकॉर्डिंग टू इशू अटेंशन साइकिल ऑफ डाउन. पहला है व्हेन पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट प्रॉब्लम. इस स्टेज में लोगों को प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं होता, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम के बारे में, और लोग इसलिए वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं. इसमें ये इसको प्री स्टेज कहा जाता है बेसिकली. तो दूसरा है स्टेज, पीपल विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मास मीडिया एंड ऑल्सो विद द रियल ऑब्जर्वेशन कम्स टू नो दैट व्हाट द एनवायरनमेंट प्रॉब्लम इज. लोगों को जब मास मीडिया के थ्रू, अखबारों के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू इसके बारे में बताया जाता है तो वो उसके बारे में अवेयर हो जाते हैं. दिस इज द सेकेंड स्टेज. और फिर वो इफोरिक भी हो जाते हैं. पीपल शो इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्ड टू एनी मेजर टू बी टेकन विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट. तो लोग सोचते हैं कि जितना मर्जी पैसा लग जाए इसके रिपेयर होनी चाहिए, इसको ठीक किया जाना चाहिए. वो कॉस्ट के बारे में नहीं सोचते. लेकिन बाद में क्या होता है, कॉस्ट इतना ज़्यादा होता है उसको ठीक करने का कि लोगों के हाथ बस में कुछ नहीं होता है, सरकार के हाथ बस में कुछ नहीं होता है. देन क्या होता है, पीपल शो कीन इंटरेस्ट इन द रिफॉर्म्स. थर्ड स्टेज ऐसा होता है कि पीपल इसमें शो करते हैं इंटरेस्ट. दे ऑल्सो रियलाइज अबाउट द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट. दे ऑल्सो रियलाइज एंड अंडरस्टैंड दैट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज नॉट बेस्ट सोल्यूशन टू द एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट्स. तो ये लोगों को रियलाइजेशन होती है कॉस्ट की भी और कि भी टेक्नोलॉजी क्या सोल्यूशन ले पाएगी कि नहीं ला पाएगी, इसके बारे में भी उन लोगों को पता चलता है. तो फोर्थ से जो होता है, जब लोगों का इंटरेस्ट कम होना शुरू कर होता है, इंटरेस्ट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग ड्यू टू द टू फैक्टर्स. क्या फैक्टर है, एक है कि किस तरह से वो जो प्रोग्राम्स जो बनाए गए हैं इंप्रूवमेंट के लिए एनवायरनमेंट, उसमें डिफ़िकल्टी आती है इम्प्लीमेंट करने में. और दूसरा है एक्सेसिव एक्सपेंडिचर, बहुत खर्चा होता है ये सब करने में. नेचर जो हमें देती है, अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, जितना हम ऑक्सीजन एक दिन में यूज़ कर जाते हैं वो कई हज़ारों में रुपए में आता है और हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है. पानी जो मिल रहा है, जो हम पी रहे हैं, अगर ये ना मिले तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हम सोचते नहीं हैं. तो एक्सेसिव कॉस्ट इतना होता है इसमें कि पब्लिक का इंटरेस्ट गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो कॉस्ट को मीट नहीं कर सकते, नहीं खर्च किया जा सकता है. लेकिन फिर भी स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे. और पांचवा स्टेज होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पब्लिक इंटरेस्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज, वो देखा जाता है सिचुएशन कैसा है उस हिसाब से. सो दिस वाज द डाउन फाइव स्टेजेस. अकॉर्डिंग टू डाउन एट प्रेजेंट द सिचुएशन इज अप्रॉक्सीमेटली इन द मिडल इशू अटेंशन साइकिल के मिडल में. इंडियाज पास एंड प्रेजेंट कस्टम्स एंड अच्छा इससे पहले कि इंडियाज़ पास्ट एंड प्रेजेंट कस्टम्स एंड कल्चर हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड करें, यहाँ पे जानना बड़ा ज़रूरी है कि हम ये मिडल स्टेजेस पे हैं. नंबर एक था कि प्राइमरी स्टेज, नंबर है अलार्म डिस्कवरी एंड यूफोरिक स्टेज, नंबर थ्री रियलाइजेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोग्रेस. हम इस स्टेज पे है कि किस तरह हमने रियलाइज़ कर लिया है एनवायरनमेंट रिपेयर का कॉस्ट क्या है इस, और कैसे इसमें प्रोग्रेस होगा, कैसे डिफ़िकल्टी हम इस स्टेज पे है. तो अब इस पे काम हो रहे हैं लेकिन लोगों का इंटरेस्ट भी धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हुआ है. लेकिन इंटरेस्ट को हम डिक्लाइन होने नहीं दे सकते हैं, अदरवाइज़ हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से एनवायरनमेंट एजुकेशन दी जा रही है, इम्पोर्टेंट की गई है, कंपल्सरी की गई हर जगह. तो होपफुली आपको डाउन का ये जो है इशू अटेंशन साइकिल अंडरस्टैंड हो गया होगा. नहीं हुआ होगा तो कमेंट में ज़रूर करेंगे ताकि मैं आपको इसे बेटर वे में और बता सकूं. लेट्स मूव टू इंडियाज पास्ट एंड प्रेजेंट कस्टम्स एंड कल्चर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. हर एक देश में कुछ ना कुछ कल्चर होता है उसका, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कुदरत से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, और इंडिया में भी ऐसा कुछ है. अभी भी हम देखते हैं बहुत सारे दरख्त की पूजा करते हैं, बहुत सारी हर्ब्स की पूजा करते हैं, और अब घर में हम तुलसी लगाते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, बरगद के पेड़ को नहीं काटते हैं, और तरह के भी काफ़ी सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिसकी अपनी अपनी वैल्यू है. अगर स्पेसिफिक कल्चर की बात करते हैं तो ह्यूमन कल्चर एनवायरनमेंट आर इंटीमेटली टाइड टू ईच अदर थ्रू अ बैलेंस इंट्रैक्शंस. ह्यूमन कल्चर और एनवायरनमेंट जो है ये इंटीमेटली रिलेटेड है एक दूसरे से. इन इंडियाज़ कॉन्टेक्स्ट वन कैन ऑब्जर्व डीप अवेयरनेस एंड कंसर्न अबाउट द नेचर एंड द एनवायरनमेंट इन द इंडियन सोसाइटी. पहले हम कैसे एनवायरनमेंट में रहते थे. अगर पास्ट कस्टम एंड कल्चर की बात करते हैं तो पास्ट कल्चर वॉज बेस्ड ऑन नेचर. नेचर
एज वॉज सेक्रेट एंड वर्शिपेबल. नेचर सेक्रेट था हमारे लिए, वर्शिपेबल है अभी भी है. हम देखते हैं कि लोग किस तरह से अपने एरिया में दरख्तों को बचाने के लिए अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंटल एजेंसीज़ के ख़िलाफ़. और गवर्नमेंट एजेंसीज अगर अच्छा काम कर रही हो प्रोटेक्ट करने के लिए तो उनको सपोर्ट भी करते हैं. फाइव फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट जो हमारे एनवायरनमेंट का हैं, वाटर, अर्थ, एयर, एनर्जी, स्पेस, इन सब की हमारे कल्चर में पूजा होती थी. जुडिशियस यूज़ ऑफ दीज फाइव एलिमेंट्स हमेशा बात की गई है. वर्शिपिंग ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स हमारे कल्चर में हमेशा से रही है, पूजा होती है इनकी. इंडियन आइडियोलॉजी एनवायरनमेंट इज़ अ लिविंग सिस्टम. इंडियन आइडियोलॉजी एनवायरनमेंट इज़ अ लिविंग सिस्टम. हम इन सब में अभी भी फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं. देयर इंटरडिपेंडेंस ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स पे हमारा अभी भी बहुत फेथ है. अगर हम ओल्ड टेक्स्ट की बात करते हैं, ओल्ड किताबों की बात करते हैं, तो वो प्रीच करते हैं इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कोड. किस तरह से इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कोड मतलब नियम रूल को वो प्रीच करते हैं, वर्णन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. जैसे कि फायर को हम मैसेंजर ऑफ गॉड मानते हैं, अर्थ को इक्वलेंट टू मदर गॉडेस मानते हैं, स्काई को इक्वलेंट टू फादर मानते हैं. तो सिस्टम ऑफ जो कंजर्वेशन है ये हम किस तरह से देखिए इन नेचर के जो मैटर्स हैं उनसे हम अपने आप को रिलेट करते हैं. सिस्टम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है किसी न किसी चीज़ से हमारे साथ रिलेटेड है, और हम उसको कंजर्व करने की कल्चरली बात करते हैं, और हम उनकी वर्शिप भी पूजा करते हैं, पूजा भी करते हैं. अगर प्रेजेंट कस्टम कल्चर की बात करते हैं तो हमारे जो रहन सहन है, कपड़ा है, खान पान है, उस सब का असर हमारे एनवायरनमेंट का असर, हमारे नेचर का असर, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का असर हमारे इन सब चीज़ों पर है. क्लोथिंग एज पर द क्लाइमेट हम देखते हैं, J&K में कुछ और क्लोथिंग है, राजस्थान में कुछ और है, साउथ इंडिया में कुछ और है. और इसी तरह लैंग्वेजेस की बात करते तो हर जगह की स्पेसिफिक लैंग्वेज डेवलप हुई है. और खाने की हैबिट्स भी हमारे वहाँ के नेचर, वहाँ की कुदरत में जो चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से है. गेम्स भी इसी तरह से डेवलप होता है, और वर्कमैनशिप भी डेवलप होता है, लाइफस्टाइल भी वहाँ का उस तरह का होता है. आगे हम बात करते हैं, वर्शिप मेथड भी है, डेथ रिचुअल्स भी है, कहीं पे जलाया जाता है, कहीं पे दफनाया जाता है. ऑल दिस कन्फर्म्स टू आर कल्चरल ट्रेडिशंस, और जो नेचर से हमें मिला है उसके अकॉर्डिंग है. अब बात करते हैं आगे कंक्लूजन की. तो आफ्टर गोइंग थ्रू द पास्ट एंड प्रेजेंट कल्चर एंड ट्रेडिशंस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, वी कम टू द कंक्लूजन दैट इज द पास्ट स्ट्रेस वॉज लेड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज. कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड रिसोर्स. कंजर्वेशन क्या होता है? सबसे पहले यू शुड नो दैट कंजर्वेशन होता है बचाना, किस तरह से हम उसको बचाएंगे, संरक्षित करेंगे. दैट वॉज डन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कमिंग जनरेशन. और ये ज़रूरी है, और दैट शुड बी डन, एंड वी हैव रियलाइज्ड एंड वी हैव स्टार्टेड डूइंग दैट ऑल्सो. बट मॉडर्न कल्चर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन. नेचुरल रिसोर्सेज आर ओवर एक्सप्लॉयटेड. जैसे वेस्ट में नेचुरल रिसोर्सेज की ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुई, अभी भी ऐसा ही हो रहा है. तो टुडे इंडिया सोसाइटी इज डैमेजिंग द एनवायरमेंट विद इट्स बिहेवियर. आवर बिहेवियर इज अपोजिट टू द पास्ट कल्चर एंड ट्रेडिशंस. इफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज आर टू बी कंटिन्यूड एट दिस स्पीड, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम द अर्थ. वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय आवर सेल्फ्स फ्रॉम द अर्थ. तो इसलिए हमें पुराने रीति रिवाज को लेकर आना है, जिसमें हमने एनवायरनमेंट को बचाया, एनिमल्स को बचाया, जानवरों को बचाया. सांपों तक को नहीं मारते हैं हम, जानवरों को नहीं मारते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो नीड ऑफ द आवर इज टू इम्प्लीमेंट द लेसन ऑफ द पास्ट इन द प्रेजेंट सो दैट द फ्यूचर ऑफ द अर्थ कैन बी सेव्ड. तो ये मैसेज देने के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया, एनवायरनमेंट में, खुले एनवायरनमेंट में, जहाँ पे आपने बड़ी आवाज़ें सुनी होंगी आसपास पक्षियों की और चीज़ों की दूसरे. इट वॉज सो कि भी हमें इनके साथ रहना सीखना है, और अगर हम इनके साथ रहना नहीं सीखते हैं तो हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. राइट, टेक केयर, बाय बाय.